जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तुलसी के पौधे को घर की किस दिशा में लगाना शुभ होता है और किस दिशा में अशुभ होता है, और उसे प्रयोग करने के संबंध में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्व है। शास्त्रों में इसे पवित्र, पूजनीय और देवी का रूप माना जाता है, जिस कारण इसे घर के आंगन में लगाने और इसकी पूजा अर्चना करने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। शास्त्रों में इस पौधे को घर में लगाने के संबंध में ऐसा माना जाता है कि जिस घर में यह पौधा लगा होता है, उस घर में धन दौलत, ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा, शांति, ऐश्वर्य, रोगों से मुक्ति और शुभता का वास हमेशा बना रहता है। इसलिए दोस्तों, ज्यादातर घरों में लोगों द्वारा यह पौधा आज भी लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पौधे को घर की सही दिशा में लगाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इस पौधे को घर की सही दिशा में लगाने से ही घर के सदस्यों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वास्तु के अनुसार अगर इस पौधे को घर की गलत दिशा में लगाया जाए या फिर इस पौधे का प्रयोग गलत तरीके से किया जाए, तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन और घर पर पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, इस पौधे को घर में लगाने से पहले आपको इसकी सही दिशा और इसके प्रयोग के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को घर की किस दिशा में लगाना शुभ होता है और इसे प्रयोग करने के संबंध में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में लगाने के लिए सबसे उत्तम स्थान घर के आंगन यानी कि घर के मध्य भाग में होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल के ज्यादातर घरों का मध्य भाग खुला नहीं होता, इस कारण इस पौधे को घर के मध्य भाग में लगाना संभव नहीं। दोस्तों, अगर आपके घर के मध्य भाग में खुला स्थान है तो आप इस पौधे को घर के मध्य भाग में लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर का मध्य भाग बंद है तो आप इस पौधे को घर के उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। यह स्थान भी तुलसी के पौधे को लगाने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और इस दिशा में इस पौधे के कारण घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है। इसलिए दोस्तों, घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में तुलसी के पौधे को लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस पौधे को घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में नहीं लगा सकते तो आप इस पौधे को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। इन दिशाओं में यह पौधा लगाने से आपको धन के देवता कुबेर और सूर्य देव की विशेष कृपा मिलती है, जिससे घर में सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है और घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहती है। इसी कारण दोस्तों, यह दिशाएं भी घर में तुलसी के पौधे को लगाने के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, इस पौधे को घर की दक्षिण दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में यह पौधा लगाने से आपके घर की सुख शांति और समृद्धि खत्म हो सकती है और इससे आपके घर में कलेश और धन हानि भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए इस पौधे के संबंध में बताई गई बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में तुलसी के सूखे पौधे को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधे को घर में रखने से धन की बरकत पर असर पड़ सकता है और इससे घर में दरिद्रता भी आती है। इसलिए आपको घर में हमेशा तुलसी के स्वस्थ या हरे पौधों को ही लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में लगा कोई तुलसी का पौधा सूख जाए तो आपको इसे किसी पवित्र नदी या तालाब में जल प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन पौधों को किसी भी कारण नदी या तालाब में जल प्रवाहित नहीं कर पाते तो आपको इन पौधों को गमलों की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। लेकिन ऐसे पौधों को ज्यादा समय तक घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधों को घर में रखने के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे तो आपको ऐसे पौधों को ज्यादा समय के लिए अपने घर में नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्तों को बिना उपयोग के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बिना उपयोग के तुलसी के पत्तों को तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान समझा जाता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे इसका दोष लगता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी को तुलसी के पत्तों को बिना उपयोग के नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी बूटी के समान माना गया है, क्योंकि तुलसी के पौधे में कई गुण ऐसे होते हैं जो बहुत सी बीमारियों को दूर करने में सहायता करते हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि इन पत्तों को बिना चबाए ही निगल लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों में 12 धातु के तत्व होते हैं जो कि इन पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं, जो दांतों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को तुलसी के पत्तों को बिना चबाए ही निगल लेना चाहिए। इसके अलावा आप इन पत्तों को पीसकर या उबालकर भी खा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा जहां पर लगा हो वहां कभी भी गंदगी ना फैलाएं, ना ही इस पौधे के पास कभी कूड़ादान या झाड़ू रखें, क्योंकि गंदगी के कारण यह पौधा सूखने लगता है। इसके अलावा इस पौधे को पवित्र, पूजनीय और देवी का रूप माना जाता है।
इसलिए दोस्तों आपको इस पवित्र पौधे को हमेशा किसी साफ सुथरी जगह पर ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को सूर्य अस्त के बाद ना तो इसे छूना चाहिए और ना ही इसके पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस पर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। इसके अलावा विज्ञान के अनुसार शाम के समय तुलसी की वृत्त ऊर्जा तरंगे भी तेज हो जाती हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए दोस्तों शाम के समय या अंधकार में ना तो तुलसी के पौधे को छूना चाहिए और ना ही इसके पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस पर जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार तुलसी के जो पत्ते सूख कर टूट जाते हैं उन्हें कचरे या कूड़ादान में कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों ऐसे पत्तों को या तो गमलों की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए या फिर इन्हें किसी नदी या तालाब में बहा देना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की पत्तियां या इसका कोई अन्य हिस्सा पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों फर्श या जमीन पर गिरी हुई पत्तियों को अपने हाथ से उठाकर इन्हें या तो गमलों की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए या फिर इन्हें किसी नदी या तालाब में बहा देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे से तोड़े हुए पत्ते कई तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं। यह पत्ते तोड़ने के बाद भी कई दिनों तक बासी नहीं होते। शास्त्रों में इसे 11 दिन तक बासी न मानकर शुद्ध माना जाता है। इसलिए दोस्तों यह जरूरी नहीं कि आप हर रोज पूजन के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ें, बल्कि आप तोड़े गए पत्तों को 11 दिनों तक पूजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन पत्तियों को भगवान को अर्पित करने से पहले धो जरूर लेना चाहिए और इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए भगवान को अर्पित की जाने वाली पत्तियां कहीं खंडित भी नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की पत्तियों को शिवलिंग या शिव पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति जलंधर को मारा था। इसी कारण शिव पूजन या शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों को नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को गणेश पूजन में भी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में इसके संबंध में भी एक कथा है जिसके अनुसार एक बार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो ब्रह्मचारी हैं, और इसी से तुलसी ने उन्हें दो विवाह का श्राप दे दिया। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तुलसी को भी एक राक्षसीय विवाह का श्राप दे दिया। इस कारण दोस्तों गणेश पूजन में भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों अगर आप इस पौधे के विकास के लिए इसके ऊपर कुछ डालना ही चाहते हैं तो आप इसमें गाय के गोबर की खाद डाल सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन ना तो तुलसी के पौधों को छूना चाहिए और ना ही इसके पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस पर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसके संबंध में ऐसी मान्यता है। रविवार का दिन भगवान विष्णु का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी को ना तोड़ने की परंपरा है। इसके अलावा दोस्तों शास्त्रों में एक ऐसी भी मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु की भक्त होने के कारण इस दिन उसकी भक्ति में लीन रहती है। इसके साथ ही इस दिन माँ तुलसी का व्रत भी होता है। वह पूर्ण रूप से इस दिन विष्णु भक्ति और व्रत करने में लीन रहती है। तो दोस्तों ना ही इस दिन तुलसी को स्पर्श करना चाहिए और ना ही इसके पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस पर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ तुलसी की तपस्या और व्रत में बाधा आती है। इसलिए दोस्तों रविवार के दिन ना तो आपको तुलसी के पौधे को स्पर्श करना चाहिए और ना ही इसके पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस पर जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों किसी भी स्त्री को तुलसी की पूजा कभी भी बालों को खुला रखकर नहीं करनी चाहिए और ना ही बालों को खुला रखकर उसे तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों में इसके संबंध में ऐसा कहा गया है कि जब भी किसी स्त्री को तुलसी की पूजा करनी हो तो उसे इसमें जल चढ़ाना हो तो उसे अपने बालों को बांधकर और अपने सभी साज सजा की चीजों को पहनकर ही तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए या इसकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों कई लोग तुलसी विवाह के बाद या तुलसी को माँ स्वरूप मानकर इसे सर्दी से बचाने के लिए तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों चुनरी उड़ाने के बाद इस बात का ख्याल हमेशा रखने चाहिए कि जब भी तुलसी पर उड़ाई चुनरी पुरानी हो जाए या फिर फट जाए तो आपको उसकी जगह तुलसी पर नई चुनरी उड़ा देनी चाहिए। शास्त्रों में दोस्तों तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़ने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनके अनुसार एकादशी, अमावस, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तुलसी के पौधे से पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इन दिनों में तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो आपको भी इन दिनों में तुलसी के पत्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना नहाए ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही इसके पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो ऐसे पत्ते पूजन में भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। इस
इसके अलावा तुलसी को देवी का स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी को छूता है या फिर इसके पत्ते तोड़ता है तो यह तुलसी का अपमान करने के बराबर समझा जाता है। इसलिए दोस्तों आपको बिना नहाए ना तो तुलसी के पत्तों को छूना चाहिए और ना ही इसके पत्ते तोड़ने चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।